वेलकम टू माय चैनल अनीता स्वैग। स्वैग से करेंगे आप सभी का स्वागत। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा कढ़ी, और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। ये मैंने कुछ सामग्री लिए हैं, 4 टमाटर और थोड़ी सी अदरक लहसुन और तेज़पत्ता, 5 ऑनियन और सूखा मिर्चा, 2 चम्मच जीरा डाल दिए मैंने, ये देखिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी चीनी जो टेस्ट बढ़ाने के लिए डालने हैं, और नमक स्वाद अनुसार। इसके मैंने पेस्ट बना लिए, और उबले हुए आलू, उबले हुए अंडा लिए मैंने। आलू को इस तरह से काट लेनी है, देखिए, और अंडे के ऊपर हल्की सी दाग देनी है चाकू से, ये देखिए इस तरह से। और मैंने ये प्याज लिए लिए, इसे ग्राइंड करना है, देखिए। ये टमाटर को जो मैंने काट के रखे, इसे भी इसे ग्राइंड करना है, देखिए। अच्छी तरह से पेस्ट बना लेनी है, देखिए इस तरह से, ये देखिए इतनी सुंदर पेस्ट हो गई है, देखिए। अब ये मैं कढ़ाई भी गर्म हो चुका, इसे तेल डाल दूँगी, देखिए। इसे अंडा फ्राई कर लेनी है, ये देखिए। इतनी सुंदर से कलर आ चुका है, ये देखिए अंडे में, ये देखिए अंडा का रंग इतना सुंदर आ गया, ये देखिए इस तरह से। आलू को भी ऐसे ही तलना है कलर आने तक, ये देखिए इतना सुंदर कलर आ चुका अंडे पे, आलू पे भी। इसी तेल में मैंने तेजपत्ता, जीरा, सूखी मिर्ची, प्याज डाल दिए, इसे देखिए उसमें 2 पक्का मिर्चा, कब फिर पेस्ट किया हुआ प्याज डाले मैंने, उसे फिर भूजना है कलर आने तक, ये देखिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया मैंने, और ये देखिए मैंने मसाला जो घोल के रखे थे ना, उसको भी डाल दिए, देखिए भूजनी है, ये देखिए इतना सुंदर कलर आ चुका। इसमें टमाटर को मैंने डाल दिए, देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, जब कलर आ जाने पर ये देखिए आलू अंडा डाल देनी है इसे, देखिए इस तरह से, और इसे हिलाते रहिए धीमी आंच पे। उसके बाद थोड़ी पानी ऐड कर देनी है, देखिए ये इसे हल्की आंच पे पकने दे, इसे देखिए ये पक चुका है अभी। इसमें हम अभी गरम मसाला ऐड करेंगे, देखिए हमारे रेडी है ये, अभी हम बाउल पे हम लोग सर्व कर रहे हैं। देखिए कितनी यमी, टेस्टी, डिलीशियस है, और इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन दबाइएगा, और मुझे आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले रेसिपीज पे, बाय।